हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्क बुक की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जो आपके नवीनतम सत्र 2023-24 के लिए उपलब्ध कराई गई है। तो उसी कड़ी में आज हम बच्चों आपके गणित विषय के कार्य पत्रक एक को सॉल्व करना सीखेंगे। कार्य पत्रक एक के तहत बच्चों हम संख्याओं को पहचानना और उन्हें अंकों और शब्दों में लिखने को जानेंगे। आज के कार्यपत्रक में बच्चों हम संख्याओं को पहचानना सीखेंगे, साथ ही साथ बच्चों उन्हें अंकों और शब्दों के अंदर लिखना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें बच्चों, जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। बच्चों हमारे सामने एक संख्या लिखी गई है, उस संख्या से ठीक एक पहले और ठीक एक बाद में आने वाली संख्याओं को हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने समझाया हुआ है 118। बच्चों 118 से ठीक पहले आता है 117 और 118 के ठीक बाद में आता है बच्चों 119। उसी को यहां पर शब्दों में भी लिखा गया है। 118 इससे पहले आता है 117 और इसके बाद आता है 119। ठीक है बच्चों, दूसरा उदाहरण है 6235। तो बच्चों 6235 से ठीक पहले जो संख्या आती है वो आती है बच्चों 6234 और इसके ठीक बाद में आती है संख्या 6236। ठीक है बच्चों, अब हमें इसको शब्दों में भी लिखना है। तो बच्चों यहां पर लिखा हुआ है 6235, तो बच्चों यहां पर हम लिख लेंगे 6234। क्या लिखेंगे बच्चों? 6234। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 6234, 6234। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि रिक्त स्थान हमारे पास कम है, तो 234। ठीक है बच्चों, अब यहां पर कितना आएगा बच्चों? 6236। कितना आएगा बच्चों? 6236। ठीक है, तो इस तरह एक खाली जगह में आ जाएगा 6234 और दूसरी खाली जगह में आ जाएगा बच्चों 6236। अगला उदाहरण है बच्चों, उदाहरण नंबर 3, 9094। तो बच्चों 9094 से ठीक पहले जो संख्या आती है वो होती है बच्चों 9093 और इसके ठीक बाद में आती है वो होती है बच्चों 9095। अब बच्चों हमें क्या लिखना है शब्दों में, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? 9094 दिया हुआ है, तो बच्चों यहां पर हम लिख लेंगे 9093। कितना लिखेंगे बच्चों? 9093। ठीक है, और दूसरी खाली जगह में लिखेंगे बच्चों 9095। कितना लिखेंगे बच्चों? 9095। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 9095। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, 25213। कितना दिया हुआ है बच्चों? 25213। तो इससे पहले क्या आएगा बच्चों? 25212 और इसके बाद में क्या आएगा बच्चों? 25214। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम लिख लेंगे 25212। कितना लिखेंगे बच्चों? 25212, 25200 और बच्चों कितना लिखेंगे? 12। ठीक है, और यहां पर 13 के बाद क्या होगा? 14। तो हम लिख देंगे बच्चों 25214, 25214। ठीक है बच्चों, ये था हमारा चौथा प्रश्न। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5, 36810। तो बच्चों इससे पहले क्या आएगा? 36809। इसके बाद में क्या आएगा बच्चों? 36811। ठीक है बच्चों, अब हम खाली जगह में लिखेंगे यहां पर,
यहां पर बच्चों लिखेंगे 36,809। क्या लिखेंगे बच्चों? 36,809। तो बच्चों 36,800 और बच्चों 9, ठीक है। और दूसरी खाली जगह में लिखेंगे बच्चों 36,811, 36,800 और बच्चों 11, ठीक है। तो ये तो बच्चों आपका प्रश्न संख्या एक, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या दो की तरफ। दिया हुआ है बच्चों संख्या क्रम को पहचानिए तथा छूटी हुई संख्याएं लिखिए, यानी कि हमारे सामने संख्याओं का एक क्रम दिया हुआ है, इसमें से जो संख्या बीच में छूट रही है वो लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो देखो 2915, 2916, 2917, इसके बाद क्या आएगा बच्चों 2918, इसके बाद बच्चों 2919, इसके बाद बच्चों 2920, उसके बाद बच्चों 2921, उसके बाद 2922। दूसरा प्रश्न बच्चों 5395, इसके बाद क्या आएगा बच्चों 5396, फिर 97 और 98 दिया हुआ है, फिर बच्चों 5399, फिर बच्चों 5400, फिर बच्चों 5402, ठीक है बच्चों। आगे प्रश्न संख्या तीन, यहां पर बच्चों दिया हुआ है 35600, तो इससे पहले क्या आएगा बच्चों 35599, और इससे पहले क्या आएगा बच्चों, इससे पहले आएगा 35598, 35598, फिर बच्चों यहां पर दिया हुआ है 35601, इसके बाद क्या आएगा 35602, इसके बाद 35603, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चार, 2808, फिर 2809, यहां पर क्या आएगा बच्चों 2810, क्या लिखोगे बच्चों 2810, 2810, 2810, ठीक है बच्चों। फिर 2811 दिया हुआ है, यहां पर क्या लिखोगे बच्चों 2812, क्या लिखोगे बच्चों 2812, तो यहां पर बच्चों हम लिखेंगे 2000, फिर बच्चों 800 और फिर बच्चों लिखेंगे 12, फिर बच्चों 13 लिखा हुआ है, यहां पर कितना लिखेंगे बच्चों 2814, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं आप लिख लेना, कितना लिखोगे 2814, और यहां पर लिखोगे बच्चों 2815, ठीक है, ये आप पूरा लिख लेना। देखो यहां पर कितना दिया हुआ था 10, उसके बाद बच्चों 11, यहां पर 12, यहां पर 13, यहां पर बच्चों 2814 और यहां पर 2815। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या पांच, 30538, ठीक है बच्चों। तो यहां पर कितना आएगा बच्चों 30539, कितना आएगा बच्चों 39, ये आपको लिखना है यहां पर 30539 पूरा लिखना है, यहां पर कितना लिखना है 39 के बाद कितना आएगा बच्चों 40, तो लिखोगे 30540, यहां पर क्या लिखोगे बच्चों 30540, उसके बाद बच्चों 41 दिया हुआ है, यहां पर कितना लिखोगे बच्चों 42, 30542, ठीक है बच्चों। यहां पर कितना लिखोगे 30543, कितना लिखोगे बच्चों 30543, तो ये खाली जगह आपको भर लेनी है, पहली खाली जगह में 30539, दूसरी में 30540, तीसरी में 30542 और चौथी में बच्चों 30543, इस तरह आपको पूरा लिख देना है।
ये था आपका बच्चों प्रश्न संख्या दो। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या तीन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ है बच्चों 998, कितना दिया हुआ है 998। देखो सैकड़ा का अंक कितना है 9, यानी कि 900। दहाई का अंक कितना है 9, यानी कि 90। और बच्चों 8, तो 90 और 8 कितना होता है बच्चों 98, तो 998। अगला दिया हुआ है बच्चों 10,000 का अंक कितना है 2, हजार का कितना है 9, यानी कि बच्चों 29,172, कितना है बच्चों 29,172। ठीक है, तो यहां पर 129,172। फिर बच्चों 10,000 का अंक कितना है 9, हजार का कितना है 6, यानी बच्चों 96,295, कितना हो गया बच्चों 96,295, 96,295। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों यहां पर दिया हुआ है 40,430, कितना दिया हुआ है बच्चों 40,430, यानी बच्चों 40 है, हजार है, तो दहाई का अंक कितना होगा 10,000 का अंक कितना होगा बच्चों 4, फिर 40 में हजार का अंक कितना होगा 0, फिर कितना है बच्चों 400, सैकड़ा का अंक कितना है बच्चों 4, फिर 130, तो बच्चों 30, यानी कि दहाई का अंक कितना है बच्चों 3, और इकाई का अंक कितना है 0, तो ये हो गया बच्चों 40,430। फिर है बच्चों 54,300, तो बच्चों कितना है 54,000, तो 54,000 का मतलब है 10,000 का अंक कितना होगा 5, हजार का अंक कितना होगा 4, और 300 तो सैकड़ा का अंक कितना होगा बच्चों 3, आगे कितना है 15, तो खाली जगह में कितना आ जाएगा 15। ठीक है बच्चों, तो 54,315। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 4, हमें इसको किसमें लिखना है, शब्दों के अंदर लिखना है। तो बच्चों देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, तो बच्चों कितना है 80,080, ये कितना है 80,080। फिर से देखो बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, तो बच्चों 10,000 का अंक कितना है, 10,000 का अंक है 8, उसके बाद क्या है 0, यानी कि बच्चों 80,000, और यहां पर दहाई का अंक कितना है बच्चों, दहाई का अंक है 8 और पीछे 0 यानी कि 80, तो बच्चों इसका सही जवाब होगा 80,080, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपके गणित विषय के कार्य पत्रक 1 को बहुत अच्छे से हल कर दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।